Dear students, good morning all of you. मैं डॉक्टर डीडी तिवारी ज्ञान गोदावरी संस्थान के प्रांगण में आप सबका स्वागत करता हूं। छात्रों, प्रत्येक युवक के जीवन का एक उद्देश्य है लक्ष्य की प्राप्ति, और लक्ष्य की प्राप्ति बच्चों जान लो तभी होगी जब आप वक्त के साथ मजाक नहीं करेंगे, वक्त का सदुपयोग करेंगे। इस समय वर्तमान स्थिति में समग्र संसार कोरोना के प्रत्याघात से परेशान है, बाहर भी परेशान। आप जानते हैं, आप युवक हैं, लॉकडाउन बार बार क्यों लग रहा है, लेकिन आपको ठीक इस समय भी अपनी तैयारी ठीक वैसे करनी है जैसे महाभारत युद्ध के पहले जब पांडव दर दर की ठोकर खा रहे थे, मन मन भटक रहे थे, तो भटक नहीं रहे थे, शक्तियों की पूजा कर रहे थे, शक्तियों का संचयन कर रहे थे, क्योंकि जानते थे महाभारत में विजय हासिल करनी है। इस लॉकडाउन के दौरान अगर आपको सच में विजय प्राप्त करनी है, ज्ञान गोदावरी के प्रांगण में कुछ अर्जित करिए, लक्ष्य प्राप्त करिए। सत्येंद्र पाठी जी ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है इस संस्था का श्री गणेश करके, मात्र इसलिए हमारे बच्चों को, हमारे युवकों को, हमारे छात्रों को मंजिल की प्राप्ति हो, आसानी से हो। छात्रों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि दो बातें मेरी आप जिंदगी भर याद रखना, कभी भूलना मत। उम्र भर याद रखना, अंतिम सांस तक याद रखना। पहली बात यह कि आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो, दुनिया के सबसे अच्छे बंदे हो। अगर आपको मेरी बात गलत प्रतीत हो तो आप अपने मां बाप से पूछ लो, वो यही कहेंगे तुम तो मेरे घर के चिराग हो। याद रखो बच्चों, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं अपनी मां बाप की नजरों में। इस बात को अपने दिमाग में हर पल रखना। और दूसरी बात, आप दुनिया का हर कार्य कर सकते हैं, दुनिया की हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं। यह बात आपके मन में होनी चाहिए हर पल। ये दोनों बेटी मेरी बातें आप जिंदगी भर याद रखिएगा, अंतिम सांस तक। क्लास आप लेंगे तो मैं जानता हूं आपको तो मंजिल मिल ही जाएगी। डीडी तिवारी दिल खोल के कह रहा है, अगर हमारा क्लास आप डेली लेते हैं तो मां कसम आपके दिल में इतनी आग भर दूंगा ना, मंजिल आपसे दूर जाएगी ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं। छात्रों, ये दो बातें याद रखना। अब हम विषय पे आ जाते हैं। याद रखना छात्रों के कंपटीशन में हर विषय का महत्व है, चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, आपके एग्जाम में जो आते हैं उनका महत्व है। आप किसी भी विषय को हल्के मत लीजिएगा। यदि आपको सफलता किसी कीमत पर लेनी ही है तो यह कंपटीशन आपका दुश्मन है। दुश्मन को मारने के लिए जितने संसाधन का प्रयोग करना चाहिए कर दीजिए, आप सफलता आपको मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। छात्रों, मैं डॉक्टर डी तिवारी आप लोगों को सामान्य हिंदी व्याकरण काव्य शास्त्र इससे अवगत कराने चल रहा हूं। वनडे कोई एग्जाम हो, सिविल कोई एग्जाम हो, आईएएस के एग्जाम में भी सामान्य हिंदी तो आती ही है। अरे आईएएस प्री में जो सीसाइड पेपर होता है ना, उसमें 9-10 लेखांश आते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको गद्यांश कहते हैं, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहते हैं।
पीसीएस में प्री में भी सी साइड में कम से कम 25-30 सवाल रहते हैं, दरोगा के एग्जाम में 40 सवाल रहते हैं, लेखपाल में 25-30 सवाल रहते हैं। माने आप किसी परीक्षा में हिंदी से प्रतिवृत्त नहीं हो सकते, उससे हट नहीं सकते। और सवाल कभी कभी ऐसे आ जाते हैं ना जिसमें अच्छे खासों को हवा नहीं लगती, क्योंकि बच्चों कंपटीशन कोई और होता है और इंटर बीए एमए पास करना कुछ और होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का। इसलिए अगर आप प्रतियोगी हैं तो आप एकदम आत्मा से अपने को आत्मसात करिए। मैं आपको सबसे पहले हिंदी का सिलेबस लिखा रहा हूं। हिंदी का पेपर जब होगा आपको एग्जाम, हिंदी से किसी एग्जाम में कौन कौन सवाल बन सकते हैं, बनते हैं, ये तो बात की बात है। सिलेबस क्या है उसका, मैं एक ऐसा सिलेबस लिखा रहा हूं जब आप कोई परीक्षा देंगे किसी एग्जाम में, वो उसी में से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं। लिख लीजिए सिलेबस। हिंदी, काव्यशास्त्र, हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण। छात्रों में सिलेबस पूरा लिखा रहा हूं। कुछ परीक्षाओं में कुछ चैप्टर्स आते हैं, कुछ में नहीं आते, इससे आपको मतलब नहीं। आपको पढ़ना एक बार पूरा, अपने को आत्मसात कर लो। पहला, हिंदी काव्यशास्त्र। दूसरा, हिंदी साहित्य। तीसरा, हिंदी व्याकरण। काव्यशास्त्र में पहला रस, दूसरा अलंकार, तीसरा छंद, चौथा काव्य गुण। हिंदी साहित्य में पहला हिंदी साहित्य का काल विभाजन, दूसरा हिंदी के प्रमुख कवि लेखक उनके उपनाम एवं उनकी रचनाएं, तीसरा हिंदी गद्यांश एवं उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, चौथा हिंदी गद्यांश एवं उसका संक्षेपण, पांचवा हिंदी गद्यांश एवं भावार्थ लेखन, छठा पत्र लेखन, और सातवां हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कार। याद रखो बच्चों, काव्यशास्त्र से चार चैप्टर हैं जो आपको वन डे एग्जाम में आते हैं, हिंदी साहित्य से ये सात चैप्टर हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन,
हिंदी के प्रमुख कवि लेखक, उनके उपनाम एवं उनकी रचनाएं, हिंदी गद्यांश एवं उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न, हिंदी गद्यांश एवं उसका संक्षेपण, हिंदी गद्यांश एवं भावार्थ लेखन, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कार वनडे एग्जाम में। अब आप व्याकरण में आ जाओ, पीछे से भी इससे बहुत सवाल आते हैं। अब व्याकरण में आ जाइए, पहला हिंदी वर्णमाला बोध, दूसरा हिंदी शब्द रचना, तीसरा हिंदी वाक्य रचना, चौथा हिंदी वाक्य दोष। याद रखो बच्चों, मैं ऐसा टॉपिक लिखा रहा हूं जिससे कुछ बाकी नहीं रहेगा। हिंदी वाक्य दोष, पांचवा हिंदी वर्तनी दोष, छठा संधि, सातवां समास, आठवां उपसर्ग और प्रत्यय, नवां वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आगे लिखे हिंदी व्याकरण के अवयव में ही चल रहे हम लोग, याद रखे छात्रों, व्याकरण का क्षेत्र बहुत व्यापक है, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए किसी कीमत पर। आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, आगे पर्याय वाची शब्द, आगे विलोम शब्द, आगे तद्भाव तत्सम शब्द, आगे अनेकार्थी शब्द, आगे समोच्चारित शब्द, आगे वाक्य के अंग, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय, आगे लिंग काल और वचन, आगे कारक और उनके प्रयोग, आगे विराम चिह्नों का प्रयोग, आगे हिंदी शब्द भंडार, आगे आर्य भाषा हिंदी और उसकी बोलियां। आर्य भाषा हिंदी और उसकी बोलियां। छात्रों, ये आपका सिलेबस है, आर्य भाषा हिंदी और उसकी बोलियां। इक्कीसवां
आर्य भाषा, हिंदी और उसकी बोलियां। बात बच्चों, ये आपका सिलेबस है। जब आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, याद रखो तो इसके बाहर से कुछ पूछा ही नहीं जाता। अब आप हमसे कहें क्यों नहीं पूछा जाता, इसलिए इसके बाहर हिंदी में कुछ होता ही नहीं, पूछा कहां जाएगा। मैंने आपको आद्योपांत लिखा दिया है, जैसे पीसीएस आईएस में व्याकरण पूरा आता है और इसके बाद इतिहास में साहित्य में आएगा। पीसीएस की बात कर रहा हूं, गद्यांश संक्षेपण, गद्यांश भावार्थ लेखन, पत लेखन, और वनडे एग्जाम में पूरा पूरा हिंदी आती है, पूरी हिंदी आती है, उसमें कुछ बाकी ही नहीं। रस अलंकार छंद भी रहेगा। दरोगा के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं इससे, लेखपाल में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। तो मैंने आपको इस तरह से लिखा दिया हूं, आप जब कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि हमारा नोट्स आपने तैयार कर लिया, पूरी तरह से पढ़ लिया एक बार, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब भी आपको एग्जाम देंगे, सफलता आपको कदम चूमेगी। ये मेरा विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, और आपको एक आदेश है, पालन करिएगा। चलिए अब व्याकरण के सोपान पे आ जाता हूं। बच्चों, में शुरुआत व्याकरण की कर रहा हूं, हिंदी वर्णमाला बोध से। ओके, आपका पहला टॉपिक हिंदी का, हिंदी वर्णमाला बोध। याद रखो बच्चों, किसी भी विषय को या किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लेना, क्योंकि करिकाल कहता था हम जितना पढ़ते हैं उतना हमें अज्ञानता का आभास होता जाता है। जितना आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैं सब कुछ जानता हूं। क्लियर? तो याद रखिएगा, सीखना तो पड़ेगा यार, क्योंकि मंजिल की प्राप्त करनी है ना। यह हाई स्कूल इंटर का मजाक नहीं है, हंसी मुड़ा दे कि मैं पढ़ लूंगा, नकल करके कोई पास हो गया, अरे कंपटीशन है, मार डालता है भाई, मार डालता है। टॉपिक बच्चों, हिंदी वर्ण एवं वर्णमाला बोध। हिंदी वर्ण एवं वर्णमाला बोध। वर्ण, मैं आप सवाल करता हूं छात्रों, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्यान रखो, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को, फिर सुन लो, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्त की न्यूनतम इकाई माना जाता है। लेकिन बच्चों, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्त की न्यूनतम इकाई माना जाता है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है।
अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, आप जानिए कुल संख्या 52 है। 52 कौन कौन कैसे बाद में आपको बताया, डिटेल में बताएंगे हम, इतना आप जानिए हिंदी मुहावरों की कुल संख्या 52 है। अब आप बच्चों ये देखिए कि एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं। जैसे एग्जाम में आ गया, ध्यान देना है, पूछ दिया अभिव्यक्त की, अभिव्यक्त की न्यूनतम इकाई है ए। प्रश्न याद रखो बच्चों, सवाल प्रदिष्ट ए, वर्ण बी, शब्द सी, पद डी, ध्वनि। छात्रों अभिव्यक्ति माने होता अपनी बात कहना, अभिव्यक्ति माने अपनी बात कहना। उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूनतम इकाई क्या है, वर्ण या शब्द या पद या ध्वनि। अभी मैं आपको बताया हूं उसकी सही उत्तर, उसका सही उत्तर है ध्वनि। ध्वनि क्यों है आप बता दो, ध्वनि आखिर में न्यूनतम इकाई क्यों है। छात्रों याद रखो अभिव्यक्ति माने होता अपनी बात कहना। जब कोई बच्चा, जैसे 6 महीने का बच्चा है, अपनी मां से अपनी बात कोई कहना चाहेगा तो कैसे कहेगा वो, क्या वर्ण बोलेगा, क्या शब्द बोलेगा, क्या पद बोलेगा, उत्तर नहीं, ध्वनि पैदा करेगा वो, आवाज पैदा करेगा, और मां समझ जाएगी भैया हमारा भूखा या प्यासा है। तो अभिव्यक्त की न्यूनतम इकाई क्या है, ध्वनि। लेकिन अगर मैं इसे पूछा, यही पूछता, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है, तब होता वर्ण, तब ध्वनि नहीं, क्योंकि वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से साहित्य पूरा बन जाता है, तब वर्ण होता। ओके, मैंने आपको अभिव्यक्त पूछा, अब आप हेडिंग डाल लीजिए वर्णमाला। ये तो वर्ण की बात हो गई, अभी वर्ण पर बहुत सारे प्रसंग आएंगे, अब वर्णमाला एक सवाल फिर कर रहा हूं। वर्णमाला, प्रश्न कर रहा हूं, वर्णमाला है प्रश्न, वर्णमाला है ए, वर्णों की संख्या बी, वर्णों का समूह डी, सी वर्णों की क्रमबद्धता और डी पदों की क्रमबद्धता। मैंने सवाल किया छात्रों वर्णमाला है, पहला वर्णों की संख्या, दूसरा वर्णों का समूह, तीसरा वर्णों की क्रमबद्धता, चौथा पदों की क्रमबद्धता। इसका सटीक उत्तर याद रखो, लड़का एक बार परेशान हो जाएगा कि वाकई में इसका उत्तर क्या है सही, जबकि याद रखो इसका सही उत्तर है तीसरा सी वर्णों की क्रमबद्धता। कुछ लड़के वर्णों की संख्या कह देंगे जो गलत है, इसलिए गलत है, अगर आप एक टोकरी में फूल रखते हैं क्या माला बन गई, उत्तर नहीं। या वर्णों का समूह कहते हैं, ये भी गलत है,
जैसे एक टोकरी में गुलाब रखा, एक में चमेली रखा, एक में विला रखा, क्या माला बन गई? नहीं। अरे माला तो तब बनेगी ना जब वाणों का क्रम होगा। जैसे समूह मैं तैयार कर रहा हूं वाणों का, काटा ना वा सा रा ला पा, क्या ये वर्णमाला है? उत्तर नहीं, समूह तो है, ये वर्णों का समूह है, ये वर्ण दे दिया मैंने। तो वर्णों की क्रमबद्धता अनिवार्य है, वर्णों को क्रम से होना चाहिए। जैसे माला बनाने के लिए माला का एक सीक्वेंस होता है, जब माला के क्रम होगा माला प्रासंगिक ढंग से बनेगी। इसलिए उचित क्या है? वर्णों की क्रमबद्धता। लिख लो वर्णमाला, परिभाषा लिख है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला बोध के रूप एक सवाल छात्रों फिर बन गया कि वर्णमाला बोध के कुल कितने रूप हैं। सवाल मैं कर रहा हूं, वर्णमाला बोध के कुल कितने रूप हैं? ए दो, बी तीन, सी चार, डी पांच। वर्णमाला बोध के उत्तर दीजिए, वर्णमाला बोध के कुल कितने रूप हैं? सही उत्तर है तीन। लिख लीजिए, वर्णमाला बोध के कुल तीन रूप हैं। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, दूसरा वायु संवेग के आधार पर वर्ण, तीसरा तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण। ओके बच्चों, तीन रूप हैं। अभी फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं एक नए अंदाज में, नए अल्फाज में।